हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री एजपान पे। मेरे भाइयों, तो सभी को मेरे तरफ से राम राम, सलाल कुमार और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। तो आपका भाई आ गया है आपके लिए मेरे भाइयों एक न्यू पार्ट लेकर, और उसी लोकेशन पर मेरे भाइयों जहां पर वो शैतान हमको मिला था। तो आज मैं भाइयों गुरुदेव जी के मठ पर गया। जब अघोरी बाबा जी के मठ पर गया तो अघोरी बाबा ने मुझे बताया कि बच्चे तू जा, अगर वो शैतान अगर उस लड़के के अगर भेष में आ जाता है मेरे भाइयों, यानी कि दुर्लभ कश्यप के अगर वो भेष में आ जाता है तो समझ लेना कि वो तुझे कुछ ना कुछ बताना चाहता है। तो मैं ज़रूर उससे बात करने की कोशिश करूंगा। आज मेरे भाइयों कैमरे के पीछे अल्ता भाई है और आपका भाई फिरोज़ भाई आज मेरे भाइयों कैमरे के आगे हैं और आपका भाई। तो हम आज तीनों बंदे जाएंगे और उसी लोकेशन पर और उसी शैतान का पता लगाएंगे। क्यों फिरोज भाई, जब आप कैमरा चला रहे थे तो आपने भी वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखी थी, तो आप भी कुछ हमारे लोगों को बताइए, जिससे लोग, आप तो हर बार कैमरे के पीछे रहते हैं तो आपको तो हर चीज़ का पता होता, अंदाज़ा होता है। तो मेरे भाइयों फिरोज भाई को तो हर चीज़ का अंदाजा है, और वो सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैंने भी रुमाल लाया था और अगर मैं बोलूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो फिरोज भाई ने तो पहले से ही मतलब कि अपने नाक कान जो बंद करके ही आए मेरे भाइयों। तो भाग्य में ठंडी भी बहुत ज़्यादा है आपकी। नहीं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पड़ रही है ठंड, और मतलब क्या कर सकते हैं ऐसे में। लेकिन भाइयों आपके लिए वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग भाई बोल रहे हैं कि इरफान भाई आपने अघोरी बाबा जी से मेरे आशीर्वाद। तो मेरे भाइयों कल इंशाअल्लाह मैं आपको अघोरी बाबा से आशीर्वाद दिलवाने की कोशिश करूंगा। कल हम सीधा मठ पर जाएंगे मेरे भाइयों। तो आज हम इस जंगल पर जाकर देखने वाले हैं कि मेरे भाइयों यहां पर रियल में दुर्लभ कश्यप की आत्मा है। लेकिन मेरे भाइयों आज इस जंगल में एक बार फिर से हमको जाना पड़ेगा, और इस शैतान को अगर वो दुर्लभ कश्यप होगा तो मेरे भाइयों दुर्लभ कश्यप के रूप में वो आएगा। ठीक है मेरे भाइयों, और जो भी भाई वीडियो को नहीं देख रहा मेरे भाइयों, अब मैं क्या ज़्यादा बोलूंगा नहीं, लोग क्या समझते हैं कि इरफान भाई ज़्यादा भाषण देते, तो आ जाइए बहुत ही बड़ी दिखती जगह है, बहुत ही बड़ा जंगल है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर कितना खतरनाक है, वो बहुत जो है उड़ कर आता है। हाँ, यहाँ पर मेरे भाइयों जो आत्मा है वास्तव में उड़ उड़ कर आती है और हम पर अटैक करने की कोशिश करती है। और आज आप देख लीजिए, आज मट्टी भी बहुत खतरनाक। हाँ, चला ही नहीं जाता। हाँ, और मट्टी बहुत ही खतरनाक है मेरे भाइयों, लेकिन क्या करें आपके लिए आना पड़ता है। एक बार उधर का लोकेशन बता दीजिए अल्ता भाई, जो जंगल का जो लोकेशन होता है मेरे भाइयों, ऐसा होता है जंगल जो कि ऐसा दिखता है, रात के समय में भला नहीं पता है, दिन के समय में बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन रात के समय में एकदम ये गिराना सुंदर हो जाता है। तो मेरे भाइयों लगता है आज ये जंगल में पानी छोड़ा गया है, जंगल में पानी छोड़ा गया है। ये जो पेड़ है मेरे भाइयों, ये देख लीजिए, बहुत ही बड़ा पेड़ है और कांटे वाला है, और इसको खिजड़ी का ये वो खिजड़ी वाला पेड़ है मेरे भाइयों। राजस्थान का बेस्ट घोस्ट वाला पेड़ खिजड़ी का पेड़ होता है। हाँ, इसको माना जाता है, इसके नीचे पाए जाते हैं। सुनिए मेरे भाइयों, गौर से सुनिए मेरे भाइयों, और आपको पूरी लोकेशन बताएंगे आज और घूम घूमेंगे। कुत्ते भौंक रहे, देखिए लगातार कुत्ते भौंक रहे। कुत्ते को भौंकने का कारण मेरे भाइयों, उनको ये जो चीज़ें हैं वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और पहुँच भी गए उस जगह पे। हाँ, बिल्कुल करीब है उस जगह पे, हम मतलब बहुत करीब है उस जगह से। आगे हम मेरे भाइयों तो उसी पेड़ के पास में, जिस पेड़ पर हमको वो आत्मा दिखी थी, यही वो पेड़ है। देख लीजिए इसके ऊपर, देख लीजिए मेरे भाइयों, ये कोई ये अलग ही पेड़ है, कोई समझ में ही नहीं आता इसका। ये मेरे भाइयों देखिए, इस पर कोई ऐसे कोई फूल बने हुए, ये देखिए लगता है इसको मतलब कि जहरीले होंगे फिरोज जी, ये जहरीले फल होंगे इस पर। ऐसा पेड़ मेरे को देखा ही नहीं कभी। हाँ, तो ये जहरीला फल है इसके ऊपर, और शैतानी फल कहा जाता है इस फल को, जो अभी मैंने दिखाया आपको, इसको शैतानी फल बोला जाता है मेरे भाई। तो भाई लाइट कीजिए,
ये नहीं है मेरे भाई, अब मेरे पीछे पूरा जंगल है, आप देख लीजिए एक बार, फिर उसकी लाइट लगा कर बता दीजिए, ये जो पूरा जंगल है मेरे भाई, ठीक है ना। अभी जंगल में वो शैतान हमको इसी नीम के पास में दिखा था एक बार, यहाँ पर वो खड़ा था, एक बार उधर दिखा था, यहाँ पर मेरे भाइयों, यहाँ पर खास पेड़ है, यहाँ पे ज्यादा दिखता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखता है। इस पेड़ में ऐसा कौन सा राज है, ये देख लीजिए, यहाँ पर कोई लगा हुआ है, ये देखिए ये पेड़ मेरे भाइयों, ये पेड़ कुछ ऐसा ही है जैसे इसमें कोई मतलब के शैतान का भी वास, कोई आवाज ही आवाज आएगी तो मेरे भाइयों इस पेड़ को भी आवाज आती है, कुत्ते भी मेरे भाइयों देखो लगातार रो रहे हैं, कुत्ते रोने जब लगते हैं जब कोई ना कोई ऐसी चीज होती है उनके सामने, तो ये पेड़ है, इस पेड़ के पास में हमको वो तकरीबन शैतान दिखा था। आगे आ जाइए, आगे और मैं आपको बताता हूँ, रोने की आवाज आई आपको, जैसे कोई लड़की रो रही है, तो शैतान ने इसको अटैक क्यों नहीं कर दिया, मेरे भाइयों ये जंगल है और पूरा देख लीजिए आप, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर घास खड़ी है कि यहाँ पर मतलब कि कुछ भी हो जाता है इंसान को, अगर ऐसी घासों में, फिर जी तो ध्यान से चलना क्योंकि ऐसी घासों में अक्सर सांप वगैरह इनका भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हमको, लगातार ये आवाज़ आ रही है मुझे, उधर से ही आ रही है ना फिर जी, उधर से वो आवाज़ आ रही है, हल्का भाई उधर कीजिए ना, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ मुझे लगा तो मैंने आपको बोला, अल्का भाई ना? कोई नहीं, एक बार एक लाइट बन के दी आप इधर आइए मेरे सामने, आ जाइए, तो भाइयों जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी है जो पहला पार्ट, तो पहले पार्ट में आपको बताया है कि यहाँ पर मुझे उस शैतान ने मुझ पर अटैक किया था, ये वही जगह है जिस शैतान ने मुझे यहाँ पर अटैक किया था, ये बता दीजिए यहाँ पर मेरे भाइयों उस आत्मा ने मुझ पर अटैक किया था, ये पूरा बता दीजिए आप जी, यहाँ पर उस आत्मा ने मुझ पर अटैक किया, क्या हुआ वो आगे देखो मेरे भाई, नाम लिया शैतान का, शैतान हाजिर है मेरे भाइयों, ये देख लीजिए रुचि बताइए तो एक बार, वो मरा देखो मेरे भाई, एकदम क्लियर दिख रहा है, तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है मेरी, तो भी मेरे भाइयों मैं आपके लिए आया हूँ, कौन हो तुम आज फिरोजी, एक ठीक है आप और मैं दोनों हैं साथ में, देखो भाई इसका मुंह देख लो, मुंह बता दो, डरावना, ओ माय गॉड, फिरो जी उसकी ज़्यादा इसके ऊपर लाइट ना करो तो ही बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमको उससे बात करनी है, ये अगर हम पर वापस से अटैक के अगर कुछ भी कर देता है तो मेरे भाई यहाँ से हमको वापस से जगह छोड़ कर भागना पड़ेगा, आ जाइए आगे आ जाइए ऐसा भाई, कोई भी किसी भी आदमी मेरा ठीक है, हाँ तीन का पेड़, कौन हो तुम, ये वही है शैतानी है, पीछे रहो अल्ता भाई, आप भी कौन है, आप है ना पीछे रहो, क्योंकि अगर हमारा कैमरा वगैरह कुछ भी नुकसान हो जाता है तो हमको खुद को भरपाई करनी भरनी पड़ती है, कौन हो तुम, एकदम पूछने की सवाल जवाब करते हैं मुझसे, लाइट मत करना इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर लाइट करते हैं तो ये हम पर हमला भी कर सकता है, मैं एक बार फिर से आया हूँ तुमसे बात करने के लिए, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुमसे बात कर लूँ, ऐसे बोल रही है जाने, उधर से भी आवाज़ें आ रही है, एक बार अच्छा भाई उधर कैमरा घुमाना, तो उधर से भी आवाज़ें आ रही है लगातार, आवाज़ आ रही है, कौन हो तुम,
कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कौन से शैतान हो तुम? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरा भाई भी साथ है। कौन हो तुम? देखो अभी अभी हिलने लगा सुरेश भाई। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बेटी हट हो रहा है। कौन हो तुम? रुक जाओ रुक जाओ। बहुत खतरनाक है भाई, रुक जा शैतान, रुक जा भाई, वहीं रुक जा शैतान, रुक जा, हट दूर हट जा, दूर हट। कुत्ते भी इसको देखकर भौंकते हैं। शैतान तुम्हें यहाँ पर लोगों के आप जो कोई भी हो आगे नहीं आए, आप वहीं खड़े रह जाए। रोज पीछे रहो, ये जो भी होगा ये खिजड़ा का पेड़ है, इस खिजड़े के पेड़ के अंदर ही अक्सर होती है ये चीजें। ये कौन है? ये ऐसा लगता है गमछा वगैरह दुर्लभ दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है भाई, कैमरे में दिख रहा है। लाइट करो तो फ्रिज भाई, उसके गमछे पे लाइट लाइट वगैरह करो। ये दुर्लभ कश्यप है भाई, ये देखिए दुर्लभ कश्यप जैसा ही दिख रहा है गमछा। हाँ दुर्लभ कश्यप जैसा दिख रहा है, मैं पक्का नहीं कह सकता मेरे भाई, दुर्लभ कश्यप हो सकता है वैसे दिख रहा भाई, हो सकता है ये दुर्लभ कश्यप भी हो सकता है। लेकिन ये और पता करना पड़ेगा इरफान भाई, हाँ कि ये कौन है, कौन है ये, इसका पूरा पता करना पड़ेगा। बताएगा तो उसने तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। हाँ और एक दूसरा आया था पकड़ के जी, भी लाइट करना था उन पर जाते क्या वो देखिए, और वो क्या हुआ है पूरा दो मेरे भाई, ये दुर्लभ कश्यप जैसा लड़का लगता है मुझे। सेम बोलिया दुर्लभ कश्यप दिख तो वैसा ही है लगता है, दुर्लभ कश्यप जैसे ही मेरे भाई को पीछे पीछे आ गया। अच्छा फिर भी पीछे रहना है क्या, ज्यादा लाइट भी नहीं करेंगे इनका, ये शैतान है भाई, ये हमारी और अगर आया तो हम पर सीधे अटैक करेगा। और आज इसके साथ में एक आत्मा और है मेरे भाई, उसी पेड़ के पास जाएंगे। हाँ जाएंगे वही देखो, क्या बोल रहा है, पीछे बताओ पीछे बताओ पीछे बताओ, देखो मेरे को जानते नहीं हो क्या? कौन आप, कौन हो तुम? हम आपको जानने चाहिए, कौन आप? काली बोल रहे ना, मैं तुम्हारे पीछे ना मार डालूंगा। नाम में दम दे रहा, ले जाओ यहां से। नाम क्या है तुम्हारा? क्या ले जाओ, कौन हो तुम? काली हां,
काली 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 भाई, ये काली नाम काली काली पिक्चर थी ना, मैंने उसमें देखा था काली, वो उड़ने वाला उड़न पटेला जैसा, वही तो नहीं है। हमने आएंगे तुम्हारे पीछे, तुमको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर चले जाओ। आपकी जहाँ पर जगह है आप उस जगह पर आप अपने वापस से पड़ता पड़ताव रख दीजिए। जा रहे हैं वो लोग, हम आपके पीछे नहीं आएंगे। वो उसी पेड़ के पास जाएंगे, इस पेड़ के लिए उनको जाने दीजिए। हाँ, अगर हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लाइट करना था वो एक और था, दोनों एक ही थी, एक ही उनको लाइट करना। ये बता रहे हैं कि ये कुछ काली की आत्मा है। उसी नीम काली कौन था भाई? उसी नीम के पेड़ के पास में गई ये थी। मेरे भाइयों मानो ना मानो, फिरोज भाई मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो नीम का पेड़ है मेरे भाइयों, यही मेन जड़ है, मेन जड़ है, यहाँ से इनकी नींव को भरा गया है। हम नहीं होता है तो फिरोज भाई गुरुदेव को यहाँ पर ही लाके इसी जगह पर लाकर हवन करवा देते हैं। इसी जगह पर हवन करवाएंगे, सही रहेगा इस अंदर, इसी जगह पर हवन करवाएंगे मेरे भाइयों, तो उस चीज के बारे में भी हमको खुलकर पता चलेगा कि ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई आज हमको पता चल गया कि इस जो शैतान का जो नाम है मेरे भाइयों, इसका नाम काली है, काली है, दुर्लभ कश्यप जैसा दिख रहा है, पर उसका भी पता करेंगे, उसका भी पता भी करेंगे मेरे भाइयों। पूरा पक्का नहीं है कि ये दुर्लभ कश्यप की आत्मा है, कोई और है मेरे भाइयों, क्या पता ये काली के साथ में और कोई उसका ही मतलब के कोई मतलब के बच्चा वगैरह भी हो सकता है। शैतान का भी बच्चे होते हैं, होते तो मेरे पे ये शैतान का भी बच्चा हो सकता है। लेकिन ये जो है बड़ा बड़ा खतरनाक मंजर है मेरे भाइयों, इस मंजर को आप सिर्फ देखो। और कल यहाँ पर गुरुदेव आएंगे, यहाँ पर भी हवन करवाने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, और आपको आशीर्वाद भी दूंगा। अभी तो आ रहे थे यार, अभी कहाँ चले गए, आ रहे थे। हाँ, और एकदम से गायब हो गए, है क्या नहीं? हाँ, ये चीजें ही है मेरे भाई, बहुत रहस्यमय चीजें हैं, मतलब बहुत ही रहस्यमय, कुछ पता नहीं चलता, कभी गायब हो जाते हैं कभी आ जाते हैं मेरे भाइयों, हमको कुछ भी पता नहीं चलता। और मेरे भाइयों आप बोलते हैं कि कैमरा आपका क्या, आप बहुत सारे भाई भी बोलते हैं कि कैमरा आप बंद करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिचुएशन वैसी हो जाती है, सिचुएशन वैसी हो जाती है हमारे साथ में, कैमरा बंद भी करना पड़ता है मेरे भाइयों, कई बार हमारा कैमरा भी टूट गया, लेकिन हम नीचे भी गिर जाते हैं, कैमरा भी नीचे गिर जाता है। तो मेरे भाइयों ये चीजें होती है जो हमारे कैमरे वगैरह भी टूट जाते हैं, लेकिन हम हमारी मेहनत करके मेरे भाइयों वापस से कैमरा लाते हैं, और मेरे भाइयों आपको वीडियो बनाकर आपके सामने आते हैं मेरे भाइयों। तो आप वीडियो को सिर्फ मेरे भाइयों वीडियो के माध्यम से ले, और मेरे भाइयों बहुत सारे लोग धर्म जा से ना जोड़ना वीडियो को, तो देख लीजिए मेरे भाइयों, ये वो काली की आत्मा है, और उसके साथ में एक और आत्मा है, उस आत्मा का भी पता चलेगा कल जब यहाँ पर बाबा जी आएंगे तब। और जिसको भी आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो के अंदर आप आशीर्वाद का नाम लिखकर, आपका नाम लिखकर, और जो भी आपकी तकलीफ है वो भी लिख देना। तो मेरे भाइयों अब आपसे मैं लेता हूँ विदा, क्योंकि अभी मेरे को समय भी ज़्यादा हो गया, और वो शैतान इधर से इधर लगता है मुझे यहाँ से इस पेड़ के अंदर वापस से वो मतलब कि उतर गया है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो हम हावी होने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई मतलब वो क्या है, हमला करता है, अगर मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर रुका तो मेरे भाई मेरे मतलब कि हमारे ऊपर भी वो अटैक कर सकता है, मतलब तो उस दिन भी एकदम से कैसे गला पकड़ लिया था इरफान भाई, गला पकड़ लिया था मेरे भाई, उस दिन से मेरी तबीयत खराब हुई। और जैसे मुझे बाबा जी ने बोला कि अगर अब की बार तू चला जाए बच्चे, तो उस आत्मा के पास जाने की कोशिश मत करना, इसीलिए हम आज दूर 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 ही रहे मेरे भाइयों। तो क्षमा करना क्योंकि आज मैं उस आत्मा से पास जाकर बात नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और गुरुदेव ने भी बोला मुझे कि उस आत्मा से दूर रहना। तो अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय। चलिए अलता।